सॉरी भैया। सब हमारे साथ है, सब यही चाहते हैं कि इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या चाहते हैं सदस्य आपके साथ के? सब यही चाहते हैं ना कि हम चुनाव लड़े हैं। अच्छा, ये बाहरी का मुद्दा जो सचिन भाई उठा रहे हैं ये क्या है? बिल्कुल सही है। क्या आप लोगों को नहीं पता जो चीजें नहीं, हमें नहीं, आप बताइए अपने शब्दों में। जनपद पे जो हो रहा है जो सारी चीजें, क्या आप लोगों को कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों को नहीं पता? आपने सदस्यता भाजपा ग्रहण की अभी तक? समर्थन दिया आपने? हमें समर्थन दिया है मोनिका जी। मेरा एक प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है आपके हिसाब से क्या उसको गलत किया है? देखिए, ये जो है आप लोगों के सामने सारी चीजें हैं, जो सदस्य हमारे साथ हैं सब यही चाहते हैं कि हम ये चुनाव लड़े और सबकी सहमति से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। समाजवादी पार्टी के इसका मतलब तो यही हुआ कि समाजवादी पार्टी ने जो पार्टी फोरम पे ये बात सभी सम्मानित सदस्यों ने रखी थी और शायद उस पर निर्णय नहीं हो पाया, इसीलिए हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा आज, और उस पर हम लोग कायम हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आपके जो निष्कासन की कार्रवाई, उस पर क्या प्रतिक्रिया? कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अगर घर से धक्का दिया जाता है तो आदमी कहीं ना कहीं अपना आशियाना ढूंढता है और बनाता है। मुझे अगर मेरे घर से धक्का दिया गया है तो मुझे कहीं ना कहीं अपना आशियाना ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सचिन जी, समाजवादी पार्टी ने गलत किया आपके अनुसार, उनको गलत टिकट दिया, लेकिन आपके पिताजी जो नरेंद्र सिंह यादव जी है वो आपको समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, पिताजी पिताजी हैं और राजनीतिक उनका क्या निर्णय है ये आप उनसे पूछिएगा। बाहर के लोगों का समर्थन ले रहे, पिताजी साथ नहीं है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, पिता का समर्थन आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ होता है, लेकिन उनका राजनीतिक क्या स्टैंड है ये तो आप उनसे पूछेगा ना, हमसे आप क्यों पूछेंगे? नहीं, आपको जैसे आप भी सपोर्ट कर रहे हैं जिस हिसाब से। सब पार्टियां एक हो गई हैं सपा के अगेंस्ट, तो क्या लग रहा है यहाँ की स्थिति क्या होगी चुनाव? यहाँ की स्थिति होगी कि मोनिका यादव 250% चुना। अच्छा, मोनिका यादव को बीजेपी ने भी समर्थन दिया, आपकी तरफ से बीएसपी की तरफ से समर्थन आया क्या? बीएसपी की समर्थन लिखित समर्थन है या नहीं है, लेकिन इतना तो सही है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीएसपी हर स्तर पर। कुल मिला के केंद्र जो आपका राज्य नेतृत्व है वो भी थोड़ा बहुत साथ में है पार्टी के साथ? साथ होना चाहिए, प्रत्याशी नहीं उतारा तो इसका मतलब किसी के साथ। आज नामांकन करने के लिए जा रहे हैं समर्थित, अपने समर्थित प्रत्याशी, किस तरीके का है कि जिस इधर दो कांटे की टक्कर है उसमें? भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किसी से नहीं है, चुनाव एक तरफा है और पहले 4 से 14 की दबकीदा हम लोगों की 4 से 24 करने की इच्छा है। विपक्ष के मेरी नज़र में 6 से 8 वोट नहीं पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी ही नहीं था, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने उधार और किराए का प्रत्याशी ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं, ये जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो जनादेश दिया है कायदे में, भारतीय जनता पार्टी के जनादेश का सम्मान करके ही चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। 26 में मात्र 4 सीटें उनकी जीती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव दूसरी तरह से लड़ रही है, आप सबको पता है। रणभूमि बनी है इस बार, बागियों से ही लड़ना पड़ रहा है आपको? चुनाव तो चुनाव होता है, क्या चुनाव है? खास तौर से अपने ही लोग हैं, बागी हैं ज्यादातर, पुराने नए की आदत है ये सब करने। इस बार हमारी पार्टी के अब सदस्य नहीं रहे। तो जो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव जीते सिंबल पर या वो पार्टी से जीते थे वो आपके साथ हैं क्या? बिल्कुल है, ज्यादातर तो है, हमारी समाजवादी पार्टी के लोग कम बगावत है बाहरी। अब मुझे केरला के लोगों ने तो सदस्य चुना नहीं, मैं सदस्य जिला पंचायत यहीं चुना गया और
मुझे नहीं लगता तमिलनाडु से मैं मेंबर हूँ। मैं फर्रुखाबाद जनपद से ही मेंबर हूँ, यहीं से मैं और मेरी पत्नी दोनों जिला पंचायत सदस्य हैं। ये आपका व्यक्तिगत मुद्दा है, आप कोई मुद्दा जनता में रखा है, तो मुद्दा सिरे से नकार दिया और ऐसे लोगों को मेरी पत्नी के सामने हराया है जो तथाकथित बहुत अंदरूनी थे और 5 बार के मेंबर थे। जो फाइनल है बाहरी का अरे शेखर भैया मान लो। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी का ही व्यक्ति टूट के प्रत्याशी बना, इससे कोई फर्क